सो हेलो एवरीवन वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू अन वीडियो सो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सभी एन का मैंने लिस्ट आप सभी के साथ शेयर किया था ऑल थर्टी वन एन आखिरकार आपको जोसा के सिक्स राउंड तक लास्ट टू लास्ट कितने रैंक तक आपको मिल पाएगा है ना उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि मैं जो है नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ उसमें मैं जो है बताने वाला हूँ कि आखिरकार सी से राउंड में जो कि आपका जोसा काउंसिलिंग के बाद जो कि बताया जाता है कि तीन लाख साढ़े लाख चार चार लाख रैंक तक भी एन कॉलेज मिल जाता है तो आखिरकार सी सेव राउंड वन राउंड टू में लास्ट टू लास्ट रैंक तक जो है आपको कितने रैंक तक लास्ट राउंड तक आपको कितने रैंक तक जो है एनआईटी कॉलेज मिल पाता है सी सेव राउंड में सभी एन आई कॉलेज के बारे में बात करनी है टोटल आपको पता है थर्टी वन एन आई टी है ट्वेंटी थ्री कॉलेज है तो सभी थर्टी वन एन कॉलेज का बात करने वाले हैं एंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कि सबसे जो लोअर टू लोअर एनआईटी है भैया हमें किसी ना किसी एन में जस्ट हमारा एडमिशन हो जाना चाहिए तो उस एन के लिए हमें कितना जो है रैंक तक यानी कि मेरा अगर जो आया हुआ है तो आपको जो एडमिशन हो जाएगा तो चलो फाइनल वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पहले चैनल पे नए हो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मेरे काउंसलिंग गाइडेंस में नहीं इन किए हो बहुत यार बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी जो आप लोग मिस करने वाले हो अगर जो थोड़ा सा भी आप मिस्टेक करोगे तो आपको अगर जो टॉप टेन का एन मिलना चाहिए आप थोड़ा सा मिस्टेक करोगे चॉइस फिलिंग में वहीं पे आपको टॉप ट्वेंटी का एकदम से एन मिल जाएगा लास्ट के आपका जो है टॉप थर्टी का सबसे लोअर एनआईटी मिल जाएगा सबसे लोअर ब्रांच मिल जाएगा है ना एन अगर जो अलॉटमेंट नहीं हो पाए तो आपका कहीं पे दस हजार लाख में आठ से दस लाख में अगर जो आपका बी हो रहा होता है तो आपका कहीं ना कहीं एन आई टी ट्रिपल आई टी जी अगर जो नहीं मिलेगा आप थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो आपको पंद्रह लाख बीस लाख दे करके भी आपको जो है कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा है ना तो एक हज़ार रुपया कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है ओनली एंड ओनली ट्रिपल नाइन रुपीज़ मैंने फीस रखा हुआ है ट्रिपल नाइन रुपीज़ वनली पेमेंट करने के बाद मेरे काउंसलिंग गाइडेंस में इनरोल कर सकते हो आपको मैं पूरा गाइड करूंगा जब तक आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता है जब तक आपको आपके रैंक के बेसिस पे सबसे जो टॉप से टॉप एन आई टी ट्रिपल आई टी कॉलेज जो आपको मिलना चाहिए वो आपका पिछले दो तीन सालों का मेहनत है ना अगर जो दो तीन सालों के मेहनत को अगर जो थोड़ा सा मिस्टेक करोगे आपका पूरा जो है मेहनत बर्बाद चला जाएगा थोड़ा सा एक गाइडेंस के चक्कर में ओनली ट्रिपल नाइन रुपीज फीस के चक्कर में है ना इसी चीज का ऑफलाइन कराने के लिए जाओगे ना तो आपका फाइव थाउजेंड टेन थाउजेंड रुपीज भी आपका ले रहे होते हैं ना तो इसीलिए आप लोग जितना जल्द से जल्द हो सके आप लोग यार मेरा प्यारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग काउंसलिंग गाइडेंस में इनरोल कर जाओ ताकि मैं जब तक आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है पूरा जो सपोर्ट करूंगा जोसा के सिक्स राउंड तक आपको जो है आपको सपोर्ट मिलेगा काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगा आपके रैंक के बेसिस पे चॉइस फिलिंग का पीडीएफ सेंड करूंगा कि किस तरीके से यानी कि आपका जितना रैंक आया हुआ है उस रैंक के बेसिस पे किस नंबर पे कौन से एनआईटी ट्रिपल आई टी को चॉइस फिलिंग में डालना है तो ये हो गया जोसा काउंसलिंग गाइडेंस जो भी स्टूडेंट यूपी से है यानी कि प्रोपरली यूपीटीयू एकेटीयू काउंसलिंग गाइडेंस में इनरोल करना चाहते हो तो वो भी आप लोग इनरोल कर सकते हो ताकि एकेटीयू यूपीटीयू काउंसलिंग में जो आपका यूपी के टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं प्राइवेट कॉलेज होते हैं उन सभी कॉलेज का भी चॉइस फिलिंग का पीडीएफ डी में सेंड करूंगा कि आपका जितना भी रैंक आया हुआ है उस रैंक के बेसिस पे आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग में डालना है ताकि आपके यूपी के जो टॉप के टॉप गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज है आपको फीस वेवर सीव आप सीट आपको चाहिए है ना तो वो जो है पूरा आपको हेल्प करूंगा सो काउंसलिंग गाइडेंस में इनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ट्रिपल नाइन रुपीज फीस है एकेट यूपी टू काउंसलिंग का भी एंड जोसा काउंसलिंग का भी है ना सो so, काउंसलिंग गाइडेंस में इनरोल कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उसके बाद फिर जो ये सब सारा डिटेल फिल करने के बाद सारा डिटेल मेरे पास आ जाएगा उसके बाद फिर मैं आपको बारह से चौबीस घंटे के अंदर जो है मैं आपको कॉन्टेक्ट करूंगा एंड उसके बाद फिर जो है मैं आपको गाइड कर रहा हूँ so, चलो फाइनल वीडियो को स्टार्ट करते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ पिन कॉमेंट में भी दिया होगा आप लोग जितना जल्द से जल्द जो इनरोल कर सकते हो चलिए फाइनल वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला एनआईटी है जो कि नंबर वन एनआईटी आप लोग देख सकते हो नंबर वन एनआईटी है आपका एनआईटी त्रिजी एनआईटी त्रिची का देख सकते हो जनरल कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए आपको सीआर रैंक देखना है जनरल कैटेगरी के लिए तो खैर कोई भी कैटेगरी रैंक आपका होता नहीं है ना तो जनरल कैटेगरी का रैंक देखना है देख सकते हो लास्ट टू लास्ट ट्वेंटी नाइन थाउजेंड इस बार की बात करें अगर जो आपका के अंडर भी आपका अगर जो रैंक बन के आया हुआ आराम से एन आई त्रिची में कोई ना कोई ब्रांच जो है सी सेब काउंसिलिंग में आपको मिल जाएगा मैक्सिमम चांसेस है वहीं पे ईड्लू एस एंड ओबीसी का देख सकते हो एस सी एस टी कैटिकर है डेटा उतना अच्छे से नहीं मिल पाया इसीलिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे ब्लैंक रखा हुआ है एनआईटी सूरत कल का भी उसी तरीके से देख सकते हो एंड ये जो है आपका ईडब्ल्यू एस ये भी आपका सी आर एल रैंक आपको देखना है ना यानी कि सी सैब राउंड में आपको कैटेगरी का रिजर्वेशन तो मिलता है लेकिन यहाँ पे कैटेगरी जो आपको देखना होता है वनली एंड वनली आपको जो है सी आर एल रैंक ही देखना होता है यानी कि आपका सी आर एल रैंक ही आपका कंसिडर होता है सी सब काउंसलिंग में तो ये जो फोर्टी फाइव थाउजेंड है ये भी आपका सी आर रैंक देखना है कैटेगरी रैंक आपका नहीं होगा उसी तरीके से एनआईटी बैरेंगल में सिक्सटी थ्री थाउजेंड एट सेवेंटी पे मिल जाएगा ईडब्लू एस कैटेगरी सेवन थाउजेंड थ्री सेवेंटी सेवन कैटेगरी यानी कि सी आर रैंक आपको देखना है ईडब्ल्यू कैटेगरी से आपको मिल जाएगा ओबीसी कैटेगरी को सिक्सटी सिक्स थाउजेंड रैंक तक एंड एस सी कैटेगरी को वन लैख सेवेंटी थ्री थाउजेंड सिक्स सिक्सटी वन पे भी आपको एन आई टी कॉलेज एन आई टी बैरेंगल मिल जाएगा है ना लेकिन यार ये सब तो खैर ठीक है मैं जो है बात कर लेता हूँ कि भाई ये सबसे लोअर से लोअर एनआईटी लास्ट टू लास्ट आखिरकार कितनी रैंक तक मिल पाता है ना तो देख सकते हो यार यहाँ पे एनआईटी राहुल के रावर केला जो कि यार मैंने बहुत सारे एन आई टी को ना मतलब कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि लास्ट टू लास्ट यानी कि सबसे जो लोअर टू लोअर एनआईटी है सी से राउंड में आखिरकार लास्ट टू लास्ट कितने रैंक तक मिल पाते हैं एनआईटी राहुल केला देख सकते हो एटी फाइव थाउजेंड रैंक जनरल कैटेरी को मिल जाएगा ई डब्ल्यू एस को एक लाख सात हजार से ओबीसी एंड एस सी एस टी कैटेगरी को भी देख सकते हो उसके बाद फिर एनआईटी सूरत की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पे एक लाख पांच हजार रैंक तक पिछले के पिछले साल ही आप सभी को देख सकते हो एनआईटी कॉलेज मिला हुआ है वहीं पे देख सकते हो ईडब्ल्यू एस एन ओबीसी कैटेगरी का भी देख सकते हो दो लाख अंठानवे हजार यानि की एस टी कैटेगरी का तीन तीन लाख रैंक तक जो एनआईटी सूरत मिला हुआ है लास्ट टू लास्ट आपका सी uh, सैफ का सेकेंड राउंड में आपको मिल रहा होगा तीन लाख रैंक पे एनआईटी सूरत मिला हुआ है एंड लोअर टू लोअर जो है ब्रांच आपको मिल रहा होगा ऐसा नहीं है कि आपको सी एस सी ब्रांच आई टी ब्रांच ये सब मिलेगा क्योंकि सी सेब काउंसिलिंग में मतलब कि आपको कोर ब्रांचेज ही मतलब मैकेनिकल हो गया सिविल हो गया इलेक्ट्रिकल यही सारे ब्रांचेज आपको मिल रहे होते हैं ना तो ये हो गया आपका एन आई टी सूरत उसी के अकॉर्डिंग यार आप लोग सारे एन आई टी का वैसे लिस्ट देख सकते हो लेकिन मैं जो है लोअर एनआईटी का मैं लिस्ट आपसे को दिखाता हूँ कि लास्ट लास्ट कितनी रैंक तक मिल पाता है यहाँ पे एनआईटी अगर तलक देख सकते हो जिसका कि कट ऑफ सी सेब राउंड में बहुत ही लो जाता है एक लाख तेरह हजार रैंक पे देख सकते हो यहाँ पे जनरल कैटेगरी वालों को भी मिल जाता है एक लाख उनतीस हजार सीआर रैंक पे ईड्लू कैटेगरी को देख सकते हो तीन लाख सताईस हजार तीन लाख तीस हजार रैंक तक भी एनआईटी अगर तला मिल जाता है एस सी एस टी कैटेगरी वालों को दो लाख सोलह हजार एंड एस टी कैटेगरी को तीन लाख ,00 सत्ताईस हजार रैंक तक मिल जाता है ना उसी तरीके से एनआईटी श्रीनगर के देख सकते हो एक लाख ,00 के अराउंड में अगर जो आपका सीआर रैंक है जनरल कैटेगरी से हो एनआईटी श्रीनगर में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा सी साइब काउंसिलिंग में वहाँ पे एक लाख चार हजार हो गया एक लाख दो हजार दो सौ चौरासी हो गया एक लाख अस्सी हजार हो गया दो लाख सत्तर हजार रैंक हो गया इस तरीके से का, का भी देख सकते हो एंड उसके बाद फिर यार सबसे लोअर टू लोअर जो है सारे एनआईटी बाकी यार सारे एनआईटी मैं जो है स्लोली स्लोली जो है कर देता हूं, आप सारे एनआईटी का ताकि आप लोग कटअप ये सब देख सकते हो है ना तो लास्ट टू लास्ट यार इतने रैंक तक जो आपको एनआईटी कॉलेज मिल जाता है मेक मेक्सर आप लोग काउंसलिंग गाइडेंस में जरूर से जरूर इनरोल कर लेना ताकि आपको अच्छे से जो है चॉइस फिलिंग करवा पाऊँ आपको जोसा राउंड में सी से राउंड में यार कोई भी कंफर्म नहीं रहता है कि आपको एन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा लेकिन जोसा राउंड में अच्छे से अगर जो काउंसलिंग करोगे तो आपको जोसा के सिक्स राउंड तक भी अगर जो आपका पीछे रैंक आया हुआ तो आराम से आपको मिल जाएगा सो काउंसलिंग गाइडेंस में आप लोग इनरॉल कर लो आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा कि हाँ भैया मेरे को कैसे चॉइस फिलिंग करना है कैसे क्या करना है ना सारा प्रोसेस सारा जो हेल्प एंड गाइडेंस मेरा मिलता रहेगा काउंसलिंग गाइडेंस में इनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जोसा एंड यूपीटीयू दोनों काउंसलिंग में आप लोग इनरोल कर सकते हो सो so बाकी सर इस वीडियो को यहाँ पे इन करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स सो मच एंड लव ऑल थैंक्स सो मच चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर बेस्ट